नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में जल्द मानसून देगा दस्तक। शहर में बढ़ रहे गर्मी से लोग परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि पुणे शहर की तो यहां आज का मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस वही न्यूनतम 22.9 है। मौसम के मिजाज में हो रहे बदलाव ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम अपना करवट बदलेगी। विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। ऐसे में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में इसने दस्तक दे दी है तो कुछ में जल्द ही दस्तक देने आ रही। एक से दो दिन में उत्तर भारत में मौसम का बदला हुआ रूप नजर आएगा। यहाँ हवाओं के साथ कुछ जगहों पर बादल गरजने और बारिश भी होगी। यही नहीं, कुछ जगहों पर बादल भी छाए रहेंगे। मौसम के इस करवट लेने से निश्चित रूप से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने प्री मानसून की दस्तक की बात कही है। इसके मुताबिक विदर्भ में मौसम करवट ले सकता। बिहार में बादल छाई, लुढ़का पारा। बिहार की राजधानी पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह बादल छाए रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना का मंगलवार को न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के अन्य शहरों में भागलपुर का मंगलवार को न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे तथा कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी व हल्की बारिश होने की आसार है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिलेगी। पटना का मंगलवार को अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की आसार है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।